कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आपकी स्वागत बा। बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन पर कार्यक्रम संस्कृति सरोवर लेके अगली रात इसने कैमरा पर्सन नारायण के साथ में कार्यक्रम संस्कृति सरोवर आपके अपने कार्यक्रम हो जिमें हमरे समाज में रह विकृति विसंगति हटाए के तमाम विषय समावेश कर जाता और इतनी भरना हो के हमरे अपन जीवन में कैसे सफलता प्राप्त कर सके के और हमन की समाज की विकृति का कबा हमरे अपन समाज के विकृति हटा के असल सभ्य समाज निर्माण कैसे कर सकते इस संबंध में हमरे विशेष चर्चा कर जाता और इतनी भरना हो के हमरे ए संबंधित व्यक्ति से वहाँ के विचार भी आदान प्रदान कर जाते हैं। ते आज भी हमरे एक हमारे की समाज सेवी के न्योता धाल गिल बा हमारे के कृष्णा चौधरी आज हमन के साथ में रह के वहाँ से हमारे बातचीत कर जी। हाँ ते कार्यक्रम में आपके स्वागत बा। धन्यवाद। हाँ ते वैसे आज आपके जो है हमन के न्योता स्वीकार कर आ गिल ते वैसे हमन की कहा जा हमन के समाज में तमाम व्यक्ति कार्यरत बाटी अब वैसे कहा जा हमन के अपन अपने आप के जो सफल मानिक हरतीन कोनो अब शिक्षा के क्षेत्र में या कोनो स्वास्थ्य के क्षेत्र में या हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत बाटी सब जन की एक चाहना रहते कि हम अपन जीवन में सफल हो गए कि बकिन का हमारे कितना जन के एक सफल व्यक्ति माने सके कितना जन के नहीं माने सकते वास्तव में हमारे सफल व्यक्ति के कह सकते वास्तव में अब कौनो एक सफल डॉक्टर बा कौनो एक टीचर बा अब कौनो अपने आप के कहत कि हम एक समाज सेवी होली कौनो कहत कि हम नेता होली या ऐसे तमाने क्षेत्र में कौनो मीडिया लाइन में बा ते हर एक क्षेत्र में जो व्यक्ति बाटी करत बाटी वास्तव में असल समाज सेवी कहा जा या सफल व्यक्ति कहा जा हमारे के माने सकते सफल व्यक्ति ते उके मान सकल जाला कि जौन व्यक्ति अपन लिए नहीं आने के लिए अब समाज से भी कहल के जो समाज सुधारी ओकर लिए ओके बढ़िया करी समाज के लिए गांव के लिए अथवा कोनो युवा के लिए ओके सफल व्यक्ति मानल जाए। असल टीचर ऊ हो कि ताकि अपन पढ़ल शिक्षा अपन से छोट के बाल बच्चन के शिक्षा दीक्षा दे के ओकरे अपन बल पर खड़ा हो ही ओके समाज के लायक बना सके सफल शिक्षक ऊ हो। अब बाकी और डॉक्टर कहल के डॉक्टर अपने भर सीख के कौन फायदा हुई जबकि आनक ना सिखा पाए सफल व्यक्ति नहीं बन पाए। सफल व्यक्ति कहल के जो समाज सुधार में समाज सेवा में लगा दे वह सफल व्यक्ति माने जाए। हाँ कल के मतलब ऐसे कैसे कहा पुष्टि होती है मन के कोनो भी व्यक्ति जो एक डॉक्टर बन गिल बा ते अब चार्ज पहले के हिसाब में ओके दवाई ते करी ओकर बाद में आगे पाछे बढ़िया व्यवहार नहीं करी दुर्व्यवहार करी ते वैसे हमन के एक कहा जात कि हमारे डॉक्टर लग जा जी तो हमन के कितना बड़ा रोग रहे ओकर माय प्रेम रही तो हमन के आधा रोग निक हो जात कि हमारे कहा जाते या हमन के छोट भी एक माइनर सामान्य हमन के रोग बा ते कोनो भी डॉक्टर कह दी कि तोरा इतना बड़ी रोग लगल बा तू मर जेबे ते भले ऊ रोग से ओकर मृत्यु ना होए ओकर बात सुन के डरा के भी ओकर मृत्यु हो सकला कल के मतलब अइसन हो नहीं ते डॉक्टर ऊ होक चाहे कि डॉक्टर जैसन रहे बिरामी आवे अगर जो के 90% रोग भेट ले बा तो डॉक्टर के 50% बोली से ओके रोग ठीक हो जाला और ना बाकी रहल 40% उ दवा दारू से ठीक हो जाला। तो जैसे डॉक्टर उ बढ़िया हो कि ताकि ओके सांत्वना बढ़िया दे लट्ठी बा डॉक्टर के यहाँ अल तो चाहे जैसे ठीक हो जाए टेंशन ना ले चिंता ना कर दवाई कराया है तो अवश्य ठीक होबे तो उ मरीज अपने से ठीक हो जाए काहे कि डॉक्टर कहले बा हम इतना दिन में ठीक हो जाए दवाई खाते ठीक हो जाए तो वो ठीक हो जाए। अगर जो डॉक्टर कह दे तो के इतना बड़ा रोग लागल है इतना दिन कहाँ रहले अब आयल है इना ठीक हो तो वो रोग से मरे कि नहीं डर के मारे मर जाए कि हमारा ढीलो हो गया बचे के मुश्किल बा तो वैसे डॉक्टर वो हो चाहे कि ओकर बोली से आधा ठीक हो जाए ओके बढ़िया डॉक्टर ओके मानल जाला। हाँ कल के मतलब जैसे अब हमन के कितना जन व्यक्ति बाटी सांप जब काट ली तो कितना जन होपलेस हो जाने कि ओकर विष लगबे नहीं करिए अब डरा के हम ते मर जाबे कि मर जाने और कम मात्रा में व्यक्ति ओकर विष से मर जाने मरने ते वैसे कहल के मतलब जैसे अब कोनो भी डॉक्टर जब रही ते ओकर बोल बचन बढ़िया रही हम चीज से ठीक करब कितना बड़ा से बड़ा रोग लगल रहे ओके बढ़िया से अब शांत होना दे ई छोट रोग हो बढ़िया जाके निको होबे ऐसे नहीं करी ते हमरे कितना बड़ा से बड़ा रोग है हंस खेल के बात करी हमन से ते हमरे निक हो सकी बकिन का हमन के समाज में ऐसन जोन बाटी कि MBBS और MD के सर्टिफिकेट झुला के रेंगत बाटी और हमन के लाखों जोन जनता बाटी हमन के जोन दुखी पीड़ित बाटी गरीब बाटी निमुखा जनता बाटी या जोन हमन के जिकर बड़ा से बड़ा रोग लग गिल बा उ सब उपचार ना पा के मरद बाटी ते वास्तव में हमन के एक पैसा कमाए भर के नहीं भी हमन के एटू सेवा के भावना भी जागृत हो पड़ी जिसन लागत। हाँ अब जैसे कि जगह
जेकर लग लागत नहीं बा ओके ठीक करे के लिए ले तोर पैसा नहीं पुगी तक उपचार करब नहीं करब कह के कही तो डॉक्टर नहीं हो जैसे जे अपन समस्या पोखल डॉक्टर हमारे पास तो इतना ढेर पैसा नहीं बा कैसे हो ल ठीक बा कैसे हो अब सरकार से हो कि हॉस्पिटल से हो कैसे हो कितना परसेंट तक डिस्काउंट दे सकब हम तो के रोग बढ़िया निक हो पारब तो के ठीक हो जाए तू चले फिर सकबे कमा सकबे तो तोर उही में हमार भलाई हो तोरों भलाई हो कह के डॉक्टर उपचार कह दे बढ़िया हो जाए तो आशीष पानी लागी रहा उहे डॉक्टर बढ़िया डॉक्टर बने कल के मतलब जैसे अब कितना जने रहने की अब एक नकल फैले हैं जो कि असली जो जे पीड़ित हो अब जैसे असली जे गरीब हो वो ओके से ढेर नकल जी अब गरीब वैसे नहीं बा वो भी नकल फैलाने ये हिसाब से अमन के डिस्काउंट करके नहीं ठीक हो बकिन का जी असली पीड़ित हो माने एकदम पीड़ित बा घर की स्थिति भी दयनीय बा उखान की अमन के सहयोग की भावना जागृत हो पड़ी सहयोग के भावना तो जागृत हो बकिर जे गरीब बा वो मांगे पनी डरात गरीब बा वो मांगे डराए जे धनी बा वो पहले ही था पा लेत कि हाँ ये कागज प्रमाण पत्र देखाए तो हमें इतना परसेंट डिस्काउंट हुई तो कैसे हुई वो डिस्काउंट लेक मारे वो बना के नहीं आनत गरीब बा न मांगे सकी न पढ़े सकी ओकर कहीं से सिफारिश भी नहीं हो ओकर सिफारिश पनी पॉलिसी नहीं हुई तो हम हनके कमी कमजोरी उहे बा कम से कम जे एकदम तल्ले वर्गक बा ओकर ओकर आय स्रोत पनी नहीं बा ओके बाचक चाहना बा तो हमरा कैसे हुई ओकर स्रोत देह चाहे बकिर मने ऐसा बाट कि जे पढ़ा लिखा बा वो और होशियार रहला सबसे पहले वो पता पाले कि यहाँ कैले ऐसा कैले हमन के इतना डिस्काउंट सब मालूम रहला वो पहले पेश कर देला तो हमन छानबीन करही कहीं इतना जन के बाद तू इतना जन में आप पढ़ले ऐसे पहले आयल तो नहीं पैबे बस उहू के लिए अपनी वंचित हो जाना गरीब गुरुआ मने वैसे ढेर जैसा गरीब ढेर लाचार बाटा आ जब मीडियम के बाद ठीक के ओकर अपनो पास बा तो उमंगलू पर पाले ला तब वो हमन छानबीन हो ओकर बोली बिक जाला ओकर बोली बिक जाला वो पावले पनी हाँ ते इतना करी हमरे बातचीत कर जाता कार्यक्रम संस्कृत सरोवर और हमन लग आज अतिथि बाटी समाज सेवी कृष्ण चौधरी उसे हमरे समाज के बारे में चर्चा कर जाते और इतना घड़ी भी आप देखा जाता बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन ऐसे कार्यक्रम के साथ बाटी हम राज चौधरी ऐसे हमन के आज के अतिथि कृष्ण चौधरी और साथ में बाटी हमन के कैमरा पर्सन नारायण ते वैसे हमरे फिर बात आगे बढ़ जाता जोन के हमन की समाज में तमाने ऐसे प्रकार के विकृति बा जिसे अब कोनो भी व्यक्ति हमरे समाज से जन्मल गिल ते अब एक दिन जाके कोनो व्यक्ति डॉक्टर बन गिल या कोनो व्यक्ति पायलट बन गिल या एक ठू जो कोनो देश की हाँ के वाला एक ठू नेता बन गिल अब कोनो कहल जा हमारे शिक्षक जोन की एक ठू हमारे के जीवन बनाए वाला शिक्षक या हर एक क्षेत्र में व्यक्ति अपन जगह पर बाटे एक ठू हमारे उद्योगी कहल गिल व्यापारी कहल गिल बकिन का जोन है अभी क्षेत्र में हमारे देखा जाते हमन के भविष्य बनाए वाला व्यक्ति के हमारे जनमल जी ते भविष्य निर्माण के करते मन के तमाम काम करे पड़ते ते भविष्य निर्माण करे वाला हमारे खासियत की एक टू शिक्षक ते उस सब में कैसन गुण हो एक आवश्यक बात है जिसे कितना शिक्षक बने स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं ओकन के पैसे से मतलब रहे और बिहार के जाके विद्यार्थी से भी बड़े बाहर नहीं कह सकने जे अब उन्हें खाना का जो बेटो बेटी बाटे ओकन के बढ़िया से रेख देख करिए और जे गरीब बा जे पाछे बैठल बा जे बोले नहीं सकत बा ओके कमजोर हो विद्यार्थी के ओके हेला कर लें तो खन में कैसन हो आवश्यक बात है गुण कन में जे टाँठो बाँठो बा तो वैसे पढ़त बा जे कमजोर बा ओके और नजीक धाय के आगे धाय के ओके शिक्षा बढ़िया दे चाहिए जे टाँठो बा तो वैसे पाछे रही तब पढ़ ले आगे रही तब पढ़ ले तो जे कमजोर विद्यार्थी बा ओखन के आगे बैठा के आगे बेंच में बैठा के ओखन से बढ़िया से पढ़ा चाहिए ढेर अब कोनो काने नहीं सुनना रहला ओके पढ़ा के लिए आगे नहीं आने चाहिए अब सर होके ऐसा हो चाहिए कि सब चाहे धनी रहे चाहे गरीब रहे ओखन के बराबर से हिसाब से पढ़े ही शिक्षा कहल के बराबर सबके एक समान हो चाहिए सबके बराबर शिक्षा दे चाहिए अब शिक्षा के सीख के का हो जब अपन शिक्षा अपने भीतर सीमित रह जाए बाहर नहीं पोखे पाल जाए तो कौन फायदा भेल अपन शिक्षा अपन कैल कि हमसे हमरा तर तरक मने सबके हम शिक्षा दें कि सब हमारे बराबर आओ हमसे आगे जा सका हमसे पीछे ना रहा वो असल व्यक्ति वो के कहल जाए जैसे हमारे समाज की तमानी विकृति बा हमारे एक ठू डॉक्टर के देखा जीते सरकारी जो हॉस्पिटल में हो डॉक्टर कार्यरत रही ते अब बड़ी से दवाई नहीं की सकी ओकर कही कि हम आज इतने हमारे इतना आज के इतने कोटा हो कि हम इतना जन के जाँच करा पाई के बकिन का उहे जब डॉक्टर ओकर छुट्टे प्राइवेट क्लिनिक रही वहीं जाके वो ढेर से ढेर बीमारी के जांच कर सकी और हमारे कहा जात कि सरकारी हॉस्पिटल में जितना औषधि उपलब्ध बा हमारे उतना ना पाल जी और औषधि लिख ले रही हैं तब वो अपन मेडिकल में जो औषधि उपलब्ध बा वे लिख ले रही हैं ती भमन के एक समाज के विकृति हो और हमारे शिक्षक की बात कर जीते शिक्षक लोगन भी वे शिक्षक स्कूल में या कॉलेज में बड़े से नहीं पढ़ रही हैं
और अपने का करी कि ट्यूशन की व्यवस्था के दिए कि फलाना से ट्यूशन पढ़े कहीं के तो वही शिक्षक बड़े से ट्यूशन पढ़ाई है और वही व्यक्ति जो ट्यूशन पढ़ जाए वो विद्यार्थी पास हुई तो मन की एक समाज की विकृति हो और इतने भर ना हो कि हमारे देखा जाते एक जो शिक्षक सरकारी स्कूल में पढ़ाई खोजी हैं अपन लड़का पे जन बाटे बड़े स्कूल में तो कहे कि अब सरकारी स्कूल में ओखन के अपने विश्वास नहीं बा कि हम सरकारी स्कूल में बढ़िया से पढ़ाई लिखेगी तो हमें कि हटा के जरूरी बा जिस तो अब वो हटा के लिए ऐसा हो गया कि फैशन हो गया बोर्डिंग स्कूल फैशन हो गया वो जात बा आजकल के बोर्डिंग स्कूल पहले सरकारी स्कूल पढ़ के डॉक्टर भइल बाटा इंजीनियर भइल बाटा पायलट भइल बाटा सरकारी में पढ़ के आ कहे पर हमारो लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ल एच ए कल माया देवी से अब जॉब करत बा पास होके एक बा ये कंप्यूटर टेक्नीशियन पढ़ल कंप्यूटर लैपटॉप बनात भैरवा उहे सरकारी में पढ़ के अब उहे फैशन हो गया सारा लड़का बोर्डिंग जात बाटा हमरो ओकर लड़का नाती के हमहूँ इंग्लिश बोर्डिंग में डरले हैं अब कहे पड़ल न्यू एनवायरमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में बाद सरकारी में पढ़ाई नहीं हो पाती नहीं हो पाता काहे कि फैशन हो गया अब छेव छाव के सब डर लेवा तो हमार हो अब मान्यता नहीं देत बाटा टीचर उहे टीचर पढ़ात रहा सरकारी स्कूल के टीचर सरकारी स्कूल के पढ़ल बड़ी आगे आगे हो गया हमारो श्रीमान सरकारी स्कूल में बोरा लेके पढ़ात रहा वो अब आँख अस्पताल में जॉब करत बाटा स्टोर कीपर होला बाकी अब के हम मन एक विश्वास नहीं लागत बस जौन स्कूल में हमरे पढ़ल गए वह स्कूल में अब काहे विश्वास नहीं लागत कि विद्यार्थी पनी वहाँ उतना नहीं बाटा थोड़े विद्यार्थी के नाते टीचर पनी एकदम कम कर दिया अब ये काहे हमरे सरकारी स्कूल में ना पढ़ा के प्राइवेट में पढ़ाई चाह जाती है फैशन हो गया फैशन बा तो हमन की जो है शिक्षक लोगन बाटी और विद्यालय व्यवस्था समिति के जो अध्यक्ष बाटी या हमन के कार्य समिति बाटी ते काहे ओकन के नियंत्रण कर नहीं सकत थी ओकर नियंत्रण कैसन करही तो ओकर जब मिल के शिक्षक लोगन अपने मिल के अपने बोर्डिंग खोल ले बाटा प्राइवेट बोर्डिंग बोर्डिंग तो सरकारी नहीं हो नी बोर्डिंग तो प्राइवेट हो और बोर्डिंग चलन करी हां ओकर आय स्रोत माध्यम बनैले बाटा पैसा कमाइना उपाय जोन सरकारी में फ्री सेवा बा तन बोर्डिंग में तो डबल बा नी तो जहां सरकारी में 500 लागत ते बोर्डिंग में तो 5000 लागत अब वर्षक सोचल जा पनी केतना भरल जाए गाड़ी भर दे हल जाए फी भरल जाए ना कहीं तो घंटी बजाने के पैसा सबके पैसा अब एक ठू का भेल कि फैशन आ गेल मनन के ओकर लेके बोर्डिंग पढ़ाता तो हमरो का हम नहीं पढ़ा सकब वही से ई माध्यम इस बोर्डिंग बनाइल के शिक्षक लोग होना शिक्षक अपने आय स्रोत बढ़ा के मारे अब कहर से कमाइल जा कह के होत बा एक टीचर के कहला एक जगह सरकारी जॉब जे करता एक जगह करे के चाहिए बाकी टीचर बाटा तीन चार जगह जॉब करता बोर्डिंग पढ़ाई ही सरकारी पढ़ाई ही ट्यूशन ली ही दो तीन जगह ही कैंपस पढ़ाई ही एक जने तो और जने से कैसे पालो पाए नहीं पाए हाँ तो वैसे नहीं हमन के जन समाज की विकृति बा हमन के आवश्यक बा बाकी हमन की समाज में क्या होती है आजकल देखा जाते तमाम समाज से भी रहने अब गाँव घर में हमन के कुछ विकास निर्माण के काम हो जात बा ते ओमा अब का हो कि हमन के हई सड़क सम्पन्न करा देव हई भवन हम सार्वजनिक भवन सम्पन्न करा देव कि न सोच के ओमा तमाने जोक हमारे कहा जा कि एक खुनचुसुआ जो तमाने पैदा हो जाने ते ओखान की कथी कही चाहल जी जोन की विकास करबे नहीं करिए विकास करे के नाव में वह पैसा अब कहीं से 10 लाख रुपये पड़ल बा कुछ हमन के सड़क कहल जा या कोनो सार्वजनिक भवन संपन्न करे खातिर बकिन का वो भवन 2 लाख में बनना भवन 10 लाख उड़ा दी है बकिन का वह भवन हमारे 1-2 वर्ष में देखा जीती चरक जाए या छत बा हमन के सिरमिट गिरी लागी ते उस सबके खातिर एक जन खुनचुसुआ ये एक जोंक होने मानव रूपी जोंक ओखान के कथी कहे चाहल जीते जोन की हमन के खून चूसत बाटे ओखान के तो हम ये कहे चाहब कि जैसे कि खून चूसो बनल बाटा उ न देख के अथवा हमरे भवन निर्माण अथवा सड़क निर्माण अथवा कहूँ पानी टंकी के निर्माण कुछ करे के निर्माण करे पैसा पायल गेल ठीक बा हमन के 10 लाख लगना है ठाव में 10 लाख ना पुगल तो उ अपने न खा के समाज सेवा में अथवा समाज सेवा कहल के अब सड़क निर्माण हो तबो समाज के लिए भल अपने लिए भल अब कोनो पार्टी पौआ बना के भल उहो अपने लिए हो अब हवा पानी आई बरखा बुन्नी आई सब में ओतन हो रास्ता रेंगे कहूँ पानी आ जात बा प्रतीक्षालय बनल बा सब जाके निकाल कितना बढ़िया बा वही से वो समाज के लिए पैसा आयल के जे जेकर हाथ में आता जे मुख्य बा उ ई पैसा हमार अपने परिवार के लिए हो कह के सड़क निर्माण अपने ईमानदारी के साथ एक पैसा हिना मिना न कह के उ सड़क में लगाई अथवा पौआ पार्टी पौआ में आयल बा उ पैसा पार्टी पौआ में अपन ईमानदारी के साथ लगाए कि ई तो हमरे हो जैसे हमरे अपन घर बनाएल जाता बढ़िया बनाएल जा ढेर दिन से चली उ किस्म से बनही तो खून चूसो नहीं बनही अगर जो है नहीं ई तो
समाज के लिए हो थोड़ थोड़ देखाल जाए बिल बनाल जाए जहाँ 10 रुपया लागत है 20 रुपया बिल बनाल जाए सरकार में पेश कल जाए आय स्रोत वैसे लग जाए कह के तो 2 बरस 3 बरस में तो बिगड़ जाए तो वैसन व्यक्ति नहीं रखे चाहिए जौन व्यक्ति असल रहे जौन चीज अपन माने अथवा समाज हमार हो हमार पार्टी पौआ हमार हो हमार सड़क निर्माण हमार हो हमार गाँव समाज हमार हो हम सब हम परिवार के हमार जिम्मे बा हम असल व्यक्ति बन के देखाब कही वैसन के लिए विश्वास करे चाहिए आ उहे असल व्यक्ति है। वैसे नगरी हमारे देखल जात बा कार्यक्रम सती सरोवर और साथ में आटी हम राज इसने हमन के आज के अतिथि कृष्ण चौधरी बाटी और हमन के कैमरा पर्सन बाटी नारायण और अति वैसे हमने आज बात कर जाता कि हमारे अपन जीवन में जो सफलता प्राप्ति चाह जी हो गल बा बकिन का असल सफल व्यक्ति के होते हमारे चर्चा कर जात बा अति वैसे हमारे कहा जा कि जो हमारे के समाज में तमान व्यक्ति कार्यरत बाटी और हमारे एक बात का कहा जा कि जैसे कितना व्यक्ति से बात सुने के मिलाते कि हमारे की समाज हमारे की समुदाय काहे पछड़ल बाते कितना जन कहने कि हमारे पहुँच हमन के नाई बा बकिन का हमारे कितना जन के एक तो मीडिया मार्फत आगे लाने के चाह जाते हमारे आवाज़ बुलंद करके चाह जाते बाकी कितना जने जो है एक तो सफल टीचर हमारे कहा जा अब कौनो हमन के स्कूल से या हमन के कॉलेज से रिटायर व्यक्ति हमारे कहा जा या टेलीकॉम के रिटायर व्यक्ति तमाने जो कि अपने व्यक्तिगत हिसाब से सफल बाटी के सोचने वो सबके भी एक तो मीडिया में लाने के प्रयास कर जाते बाकी ने का ही डराने देते आपके ये विचार में का बाकी ओकरे काहे मीडिया में आके नहीं चाहनी जबकि अपने आपके लाखों कमा हुई बाटी और घर भी संपन्नता में कुछ कमी तो नहीं बा अपने आप की भी हम सफल होली कही की कहा बाटी कार पर रिंगत बाटी वो व्यक्ति भी मीडिया के नाम रहा जीते काहे बिहान बोली बात करनी थे ये वास्तव में आपके विचार में काहे सन लगते हमार विचार में तो यह लागत कि उ सब अपन जौन सीप मुलाबा भीतर आत्मा में जौन दबैले बाटा दुई चार शब्द उ सब यह सोचत हो ही अगर जाके मीडियम हम बोलब तो हमार आवाज़ सबके उस जानी हम जौन जनले हैं तो सबके उस सीखले हम बताब तो कहीं फलाने ऐसन बा ऐसन कैले रहे तो हमार शिक्षा और जन सीख ली कह के ओकरे अपन भीतर के जौन कुछ बचल खोचल बा उ आने के न दे के अपन साथ सीमित रखे के चाहना आ बाकी कैसन बा कि जो दूसर कौनो जाए तो का कहीं उ फालतू रहे सरतियारे रहे उ गैल कितना बाँट होबा कितना बाँट होबा हाँ ओकर कूड़ा कठिन नहीं सोची कि हम ना गैली हमारे ठाव में उ गैल न ठीक बा बढ़िया बा आज हमें जाए ला कर काश हम जाती अपन लग के थोड़ बहुत भैल के शिक्षा अथवा कोनो बात कोनो मन में आ जाए कि नहीं ऐसा करे के चाहिए सर बढ़िया रहना अथवा और कोनो व्यक्ति बढ़िया रहे सिखाएल हमन के कुछ बुद्धि दे के गई ना सिखा के गई ना कह के सोची तो वो आई आ नहीं तो अपन हूँ नहीं आई अनहू के गैले पर का सोची कि ओकर लख हम सरतियारे बाटी हम जाई उ सरतियारे हते गेल हम जे हमर के अजन व्यक्ति बाटे किंदा रिटायर हो गेल बाटी हमरे कहल गेल कि उ व्यक्ति की हमरे ल्याने के सहजत नहीं आज चाहने और कितना जन व्यक्ति बाटे अपने आप के कैसन भी सोचने उ सब जिसे मीडिया में आए खोजने अपन आवाज बुलंद करे खोजने ते वास्तव में दुई जन के तुलना कर जी ते जो ना व्यक्ति भागत बाटे मीडिया से बार बार रह खोजत बाटे का ओखन की आप सफल व्यक्ति मान सकल जी जे मीडिया से बाहर बा तो ओके कौन सफल व्यक्ति मानल जाए जौन अपन कहल के अपन भैल के आने के नहीं दे तो कौन सफल व्यक्ति हो जे आके जे जानले बा तबो नहीं जानले बा तबो कुछ सीख मूल तो बताए चाहिए तौन व्यक्ति सफल रही कहे कि अपने जौन जानले बा उहे ना बताई नहीं जानले बा तो नहीं बताई अथवा जे रिटायर बा जे मास्टर हो अथवा कोनो चीज हो ओखन के जो अगर अपन में भैल के आला बात अपने सीमित ना रख के अन्न के उनका आदान प्रदान करही ओकरे औरो जन जनही ये सर ते इतना बोलत रहना काश हमहूँ मौका पैती तो हमहूँ जैती बोले हमारे को मौका आत अवसर आत जब देवे नहीं करही है सर होके ना गैला अथवा कोनो हवलदार हो नहीं गल कोनो रिटायर आर्मी हो नहीं गल ओकरे ना गैला तो हमार कन चांस होगा आ ओकर पाछे दूसर कोनो चालू जाए फालतू रहे फालतू बा गैल हम तो नहीं गैली हम नहीं जब सन में तो ओके सफल व्यक्ति नहीं मानल जाला उ खुट्टा ताने वाला व्यक्ति हो ना अपने आगे जाए ना कोनो आगे जाए दे अति जो वैसन व्यक्ति बाटी अब हमारे कहा जा कि एक तो दूसरों भी बात हो सकी अब जैसे कोनो भी व्यक्ति बाटी जो कोनो भी पेशा कर्मी होने वो कहन के मीडिया वाली से कहा हो कहन के जो भीतर के बात हो फ्रेश हो जाए कैसे अब कितना जगह में वो कहन के काम करत के दौरान में ढीला सुस्ती भल हुई भ्रष्टाचार में पड़ल हुई वो सब तो ये बात भी हो सकी थी कहन के ये भी कहन के डेर हो सकी और एक ना तो ना याद हो तब कि अगर जो चल जाब तो बाते बाते में निकल जाए तो कोनो बात लीक हो जाए कि कहीं के समस्या वह समस्या से डरात हो बाकी डर कौन जरूरी बा जे काम नहीं बिराई गलती नहीं करी तो डर जरूरी नहीं बा मैंने बीच में आ सकाला हाथे हमारे जो महिला लोगन बाटी और ओखन के भी हमारे
कि अपन आवाज बुलंद करके तो हमारे कुछ करी पर जिसन लगा थे आप भी जो अपन अमूल्य समय दल के लिए आपके रिजिश धन्यवाद देख सकते ऐसे हमन के कैमरा पर्सन नारायण के विशेष धन्यवाद अति अंतिम में फिर हमन के जो महिला लोगन बाटी अंतिम में ओखन के का कह चाहत जी और यह बाकी महिला दीदी बहनी के यह कहल चाहत बाटी कि जैसे हम अवसर आज पात बाटी ताकि कबो कहनो सबके अवसर मिले तो उ सब ना कहा कि आज नहीं हम बिहान जाब अगले दूसर कार्यक्रम में जाब उन अवसर पाए तो अपन भैल के आत्मा भीतर के कोनो चीज़ बात जागृत करे के लिए टेलीविजन में आके अपन सुझाव सलाह अमूल्य समय दिए के लिए चाहे जो उत्सुक हो चाहिए हमने अले सबके समाज से भी दुनिया संसार देखी कोनो बढ़िया रही कोनो बेकार रही सुधार करे के मौका मिली एक ठू गलती हुई तो कहीं ना यहाँ ऐसा भर बढ़िया रही तो कहीं बढ़िया व्यक्ति बा वैसे हमन के समाज में मिलाप मेल मिलाप हो इहे कहत आज के कार्यक्रम से विदा लेत बाटे कृष्ण चौधरी नमस्कार अति उसे हमरे इतना गरीब बातचीत कर लिया हमन के साथ रहने समाज से भी कृष्ण चौधरी उसे हमन के कैमरा पर्सन नारायण ओनू की विशेष धन्यवाद अति आप देखल गेल बुद्ध समुदाय टेलीविजन एकर प्रति भी आपके विशेष धन्यवाद दै छनी हम संचालक राज भी आपसे विदा हो चाहती और आप देखते रहिए बुद्ध समुदाय टेलीविजन नमस्ते।